आज प्रस्तुत है अफगानी चिकन। परंपरागत तौर पर अफगानी चिकन एक स्टार्टर डिश है जिसमें मुर्ग को मैरिनेट करके तंदूर में भुना जाता है, जिसे हम इस चैनल पर पहले ही प्रसारित कर चुके हैं। आज की इस प्रस्तुति में हम अफगानी चिकन का तरी संस्करण यानी ग्रेवी वर्जन बनाने जा रहे हैं, जो कि एक मेन कोर्स डिश के रूप में परोसा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यहाँ हमने थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ, थोड़ी पुदीने की पत्तियाँ और ये 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं। अभी हम इन सबको इनके डंठल से पत्तियाँ चुन लेंगे और उसके बाद ये जैसे मिर्च के डंठल तोड़ के इन सबको पीस के एक मिश्रण बना लेंगे। तो ये मिश्रण अब तैयार है। इसको पीसने हेतु हमने थोड़ा सा पानी सम्मिलित किया था ताकि ये बारीक पिस सके। तो ये 1/2 किलोग्राम चिकन हमने लिया है, इसे हम मैरिनेट करेंगे। अब अफगानी चिकन जो है वो अलग अलग तरीके से बनता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा दही में सारे मसाले और चीज़ें मिक्स करके इंग्रेडिएंट मिला के फिर उसमें चिकन सम्मिलित करते हैं और वो उसके बाद उसको चिकन को अलग से ग्रिल करके और उस ग्रेवी अलग से पका के उसमें डाल देते हैं। हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे, हम डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। तो अब हम इसमें सर्वप्रथम इसमें हम ये दही सम्मिलित करेंगे। ये हंग कर्ड है, जैसे कि दही को हमने क्या किया है कपड़े में लटका दिया और उसको एक दो घंटे के लिए लटका देते हैं तो उससे सारा पानी निकल जाता है। तो हमें ऐसा दही चाहिए क्योंकि मैरिनेशन में दही अच्छे से चिकन में अच्छे से चिपकना चाहिए, तो हमने ऐसा दही लिया है। तो ये हम इसमें ऐसे 2 चम्मच भर के इसमें डाल देंगे। ये लीजिए, ये हमने दही डाल दिया। फिर हमें नेक्स्ट डालना है इसमें फ्रेश क्रीम। तो जैसे बाहर से आपको मिल जाएगी, घर में घर की क्रीम है तो घर की यूज़ कर लीजिए। पैकेट आते हैं अमूल के, अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं। ये इसमें जम गया है, एक सेकेंड। तो ये हमने 1 चम्मच इसमें क्रीम डाल दी है। उसके बाद हमें डालना है ये जो हमने ये पेस्ट बनाया था अभी शुरुआत में, इसमें हमारा पुदीने की पत्तियां हैं, धनिया हैं और हरी मिर्च है। तो ये हमको 2 चम्मच ये डाल देना है। अब हम इसमें डालेंगे अन्य मसाले। तो मसाले क्या 2-3 इसके ही सामग्री है, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो डालेंगे। तो थोड़ा इसमें हम नमक डालेंगे स्वादानुसार और ये हमारे पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर है, सफ़ेद मिर्च का। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च ना हो तो आप काली मिर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे पास उपलब्ध है तो हम ये सफ़ेद मिर्च का पाउडर इसमें 2 चुटकी अच्छे से छिड़क दिया हमने इसमें भर के। अब हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आता है, ये है इलायची और जावित्री का चूर्ण। ये देखिए, ये इलायची और जावित्री का चूर्ण है। तो इसमें हम कैसे इसको बनाते हैं कि इलायचियाँ ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 100 ग्राम इलायची ले ली और इसके बाद हम इसमें 200 ग्राम जावित्री लेंगे और इलायची को छिलके के साथ रखेंगे, छीलेंगे नहीं, और इन दोनों को महीन पीस लेंगे तो ये पाउडर बन जाएगा। ये बहुत काम की चीज़ है तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये हम इसमें सम्मिलित कर देते हैं। तो इलायची और जावित्री का चूर्ण भी हो गया। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और एक सबसे ज़रूरी चीज़ अभी रह गई है, वो है अदरक लहसुन का मिश्रण। तो ये रहा अदरक लहसुन का मिश्रण। इसमें 2 भाग लहसुन है और 1 भाग अदरक है, यानी कि मान लीजिए 100 ग्राम इसमें अदरक है और 200 ग्राम लहसुन है और इनको अच्छे से पीस लिया गया है। तो ये भी जाएगा इसमें अच्छे से। अभी सारी चीज़ें इसमें हमने डाल दी हैं जो डलनी थी आपके मैरिनेशन में। अब हमें इसको अच्छे से
मिला देना है। ये हमने इसको इसमें अच्छे से सारा चीज़ मिला दी है। तो ये हमारा मैरिनेटेड चिकन ये रेडी है अफगानी बनाने के लिए। और इसको हम कम से कम एक घंटे, अपनी अपनी कंडीशन है कितनी देर रखना है। देखिए कभी भी मैरिनेशन को जितना ज़्यादा समय तक रखेंगे तो स्वाद उतना ही अच्छा आता है। जैसे कि हमें समय कम है, तुरंत बनाना है, तो आप कम से कम एक घंटे के लिए इसको ऐसे छोड़ दीजिए। और ये भी कहते हैं कि सामान्य कमरे के तापमान पर रखना है कि रेफ्रिजरेटर में रखना है। तो ये सब कुछ मौसम पर डिपेंड करता है कि कैसा मौसम है। अगर आप सर्दियों के टाइम पर तो आप इसको कमरे के तापमान पर छोड़ दीजिए, अगर आप गर्मियाँ ज़ोर की पड़ रही हैं तो आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। तो इस हिसाब से आपको इसको कम से कम एक घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा आप रात भर के लिए छोड़ दीजिए रेफ्रिजरेटर में। तो मुर्ग को हमने मैरिनेट करने के लिए रख दिया है। अब हमें, क्योंकि हम अफ़गानी चिकन ग्रेवी बना रहे हैं, तो हमें ग्रेवी के लिए अलग से चाहिए सामान, तो उसके लिए हम अलग से दही ले रहे हैं। ये हमने 400 ग्राम दही लिया है और इसमें वो सारी सामग्री जो कि मैरिनेशन में डाली थी ये इसमें डाल देंगे। तो जैसे इसमें हमने 400 ग्राम दही लिए, आधा किलो चिकन के लिए है ये, तो हमने इसमें एक चम्मच भर के इसमें अदरक लहसुन का मिश्रण और ये चार चम्मच, एक दो तीन चार, चार चम्मच ये आपका धनिया वाला ग्रीन पेस्ट और ये क्रीम दो चम्मच भर के क्रीम। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना बाकी सामग्री, इलायची जावित्री का चूर्ण, सफ़ेद मिर्ची, और अभी नमक थोड़ा सा डालेंगे, बाद में चख लेंगे और आवश्यकता पड़ी तो थोड़ा सा अतिरिक्त सम्मिलित कर देंगे। अब इन सारी सामग्री को अच्छे से हम फेंट लेंगे, दही क्योंकि फटा हुआ नहीं है पहले से, तो इसको अच्छे से फेंट लेंगे। आप चाहें तो इसमें काजू का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन वो मुझे ज़्यादा ही उससे क्रीमी, ऑलरेडी हमने क्रीम डाली है और इसके बाद हमने इसमें दही डाला है तो वो टू मच हो जाता है, तो इसलिए मैंने काजू का इसमें पेस्ट नहीं डाला है। आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, ये व्यक्तिगत स्वाद पर निर्भर करता है कि आपको कैसा स्वाद पसंद है, तो आप चाहें तो डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। तो ये हमारी ग्रेवी के लिए ये तैयार है। अब चलिए अगले चरण पर चलते हैं। तो ये मैरिनेटेड चिकन को हमने एक घंटे से ऊपर हो गया रखे हुए। अब इसमें हम एक दो चीज़ और मिलानी है, बाद में मिलानी पड़ती है इसलिए मैंने बाद में रखा था। ये समझ लीजिए सेकंड मैरिनेशन है, तो बस दो चीज़ें मिलानी हैं हमें इसमें। एक तो इसमें दो चम्मच के करीब इसमें कॉर्न स्टार्च डालेंगे और इसके अतिरिक्त ये एग वाइट है, जो एग से हमने पीला वाला अंडे की जर्दी जो पीले रंग की होती वो हटा दी, और वाइट वाला पोर्शन है इसमें से हम एक चम्मच इसमें, देखिए चम्मच में आ गया, थोड़ा सा गिरा देंगे इसमें, बस बहुत है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इन चीज़ों को इसमें फिर से मिला देंगे। बस ये अब हमने मिला दिया, अब इसको हमें बस 10 मिनट के लिए और छोड़ना है, उसके बाद हम इसको हम अपनी रेसिपी बना सकते हैं। तो अब हमें एक लोहे का पैन ले रहे हैं, इसमें थोड़ा सा ऑयल सम्मिलित करेंगे, इसको ग्रीस करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, अच्छे से गर्म कर लेंगे पैन को।
ना बहुत ज़्यादा ऑयल रखेंगे और ना बहुत कम, मतलब अच्छे से ग्रीस होना चाहिए, ये नहीं कि हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं। उसके बाद हम इसमें चिकन ग्रिल करेंगे। ये हमने इसमें सारा चिकन सम्मिलित कर दिया है, बीच में थोड़ा सा ऑयल कम दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा गिरा देते हैं बस। अब आंच को धीमा रख देंगे, नहीं तो ये जल जाएगा और अच्छे से ग्रिल नहीं होगा, और हमें इसे बढ़िया से ग्रिल करना है। बस इसको ऐसे थोड़ा मोड़ते रहेंगे ताकि ऑयल समान रूप से चिकन में पड़े। ऐसे पलटते जाएंगे, ये क्या बढ़िया टेक्सचर आया है। थोड़ा सा ऑयल और सम्मिलित करेंगे,
चिकन हमारा ग्रिल हो चुका है, इसको किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। सौ ग्राम प्याज को हमने बारीक काट लिया है। तो आपका सवाल होगा कई लोगों का कि क्या आपके अफ़गानी चिकन में प्याज पड़ती है? तो देखिए, अफ़गानी चिकन जो है वो एक जो ग्रिल्ड आपका रोस्ट वाली रेसिपी है, ड्राई। अगर हम उसको परंपरागत तौर पर उसका अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि अफ़गानी चिकन जो है एक ट्रेडिशनल रेसिपी है और ये ड्राई होती है, यानी कि उसको मैरिनेट करके सिंपली रोस्ट करते हैं। तो जो ये ग्रेवी डिश है, जो अफ़गानी चिकन ग्रेवी, ये कोई पुरानी डिश नहीं है, ये एक इम्प्रोवाइजेशन है उस डिश का कि हाँ कि बहुत से लोग ग्रेवी खाना पसंद करते हैं तो उसको ही हमने, मतलब शेफ़ लोगों ने उसको क्रिएट किया है। तो अफ़गानी चिकन ग्रेवी हर व्यक्ति विशेष अपने तौर पर अपने तरीके से बना सकता है। तो ग्रेवी में क्या पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा ये निश्चित तौर पे उस शेफ़ का निर्णय होगा जो इसे बना रहा है। तो मुझे, मैं प्याज सम्मिलित कर रहा हूँ और ये आपकी 100 ग्राम बारीक कटी हुई प्याज है। तो अब अफ़गानी चिकन बनाने के लिए एक हांडी में थोड़ा तेल गरम करते हैं। कितना तेल? एक करछी के बराबर, जितने में थोड़ा प्याज भुन जाए, ज़्यादा ना डालें क्योंकि दही भी अपना थोड़ा सा तेल छोड़ेगा, तो ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ऑयली ऑयली दिखेगा। उतना ही डालेंगे जितना, जितने के प्याज को भुनने की जितनी आवश्यकता पड़े बस। तेल अब गर्म हो चुका है, अब गर्म तेल में डालेंगे एक तेज़पत्ता, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, दो से तीन लौंग और एक से दो इलायची बचा के हाथ, अभी मेरा भी जलते जलते बचा है, तेल ज़्यादा हो चुका है। छलने के बाद अब इसमें थोड़ा भूनने के बाद इसमें हम प्याज सम्मिलित कर देंगे। अब हमें प्याज को भूनना है। धीमी आंच पे इसको भूनते रहेंगे जब तक कि प्याज सुनहरे रंग की दिखने नहीं लगती। प्याज अब अच्छे से भुन चुकी है, आप देख सकते हैं। इसमें हम थोड़ी सी सामग्री और सम्मिलित करेंगे। इसमें हम सम्मिलित करेंगे एक टीस्पून पिसा जीरा, आधा टीस्पून गरम मसाला। वैसे तो हरी मिर्च उसमें हमने सम्मिलित की है, लेकिन हम थोड़ी सी, आधा टीस्पून के करीब हम ये कुटी मिर्च थोड़ी सी डालेंगे इसमें, स्वाद अनुसार ले सकते हैं आप बस। इसके बाद हम इसे सबको आपस में मिलाकर कुछ क्षण और भून लेंगे। हमारा मसाला अब भुन चुका है, अब इसमें हम वो दही वाला मिश्रण सम्मिलित करेंगे।
पीसेस इसमें मिला देंगे और करछी चलाते रहेंगे ताकि दही फटे नहीं। जैसे इसमें उबाल आएगा तो फिर हम इसमें नमक चख लेंगे, या अगर अतिरिक्त नमक की आवश्यकता होगी तो हम इसमें सम्मिलित कर देंगे। अभी तो इसमें सिर्फ हम करछी चलाते रहेंगे और इसमें उबाल आने की प्रतीक्षा करेंगे। आज हमने मध्यम धीमे से मध्यम के बीच में रखी है, क्योंकि अचानक से जब तापमान बदलता है तभी दही फटता है। तो आप चाहें तो बिल्कुल धीमी आंच पर इसको चढ़ा दें और धीमे धीमे चलाते रहें और पकने दें, इससे दही नहीं फटेगा। लेकिन अचानक से ठंडा दही है फिर इसे निकाला हुआ और अचानक से आपने इसको टी ब्रांच पर रख दिया तो दही फट जाएगा। ऐसे ऐसे इसको चलाते रहेंगे जब तक कि उबाल नहीं आए। एक बार उबाल आ जाएगा फिर उसकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि ये फटेगा या नहीं फटेगा। अब धुआं निकलने लगा तो हम आँच को थोड़ा तेज़ कर देते हैं और तेज़ तेज़ चलाते रहेंगे। अभी आँच एकदम तीव्र है और हम करछी तीव्रता से चला रहे हैं। बस यही एक चरण है इसमें ध्यान देने योग्य, अन्यथा नहीं तो ये जो व्यंजन है बिल्कुल आसान है, इसको बनाना बिल्कुल आसान है। बस आपको यहीं पर थोड़ा ध्यान देना है उबाल आने तक। उबाल आने वाला है, ये देखिए इसमें उबाल आ चुका है। उबाल एक बार आ गया फिर फटने के चांस कम हो जाते हैं, कि दही अलग और पानी अलग वैसी सिचुएशन नहीं रहती है। देखिए बढ़िया से इसमें उबाल आ गया है। अब थोड़े समय के लिए इसे धीमी आंच पर ढक के पकाते हैं, इसको ढक देते हैं, ढक्कन हटाते हैं। और इसमें चिकन सम्मिलित करते हैं, आंच तीव्र कर देते हैं ताकि हमारा टेम्परेचर चिकन का ठंडा हो चुका है चिकन, और दही हमारा गर्म है तो फिर वो सिचुएशन ना आए कि ठंडा गर्म हो जाए। इसलिए हम तीव्र आंच पे इसमें चिकन सम्मिलित करते हैं और इसको मिला देते हैं। सही दिख रहा है ना? अब हमें इसे पकाना है। थोड़ा सा नमक चख लेते हैं, नमक इसमें बहुत कम है तो इसमें स्वादानुसार चखने के उपरांत नमक सम्मिलित कर देते हैं। अब आँच धीमी कर देते हैं और इसे ढककर पकाते हैं धीमी आँच पे, क्योंकि हमारा जो मुर्ग है वो आंशिक रूप से पका हुआ है, पूर्णतया नहीं पका हुआ है, तो इसे हम ढककर पकाएंगे। कितने समय के लिए? लगभग 10 से 15 मिनट चेक कर लेंगे 10 मिनट उपरांत। अगर पका होगा तो ठीक है, बंद कर देंगे गैस, अन्यथा थोड़े और समय पका लेंगे।
अब हमारा अफगानी चिकन पककर तैयार है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ पर सिचुएशन हमें देखनी पड़ेगी, क्या अभी क्या स्थिति है कि अब ये ग्रेवी देखिए, मुझे ये ग्रेवी अभी ठीक लग रही है, लेकिन यदि आपको तुरंत खानी है गरम गरम तब तो ठीक है, ये आप इसको ऐसे निकालिए प्लेट में गरम गरम और खा लीजिए, लेकिन आपने इसको अगर छोड़ दिया एक घंटे के लिए, ठंडा होने दिया, नॉर्मल हो गई, तो ये जम जाएगा पूरा और ये ग्रेवी आपको बहुत कम हो जाएगी इसमें। तो अच्छा होगा कि आप थोड़ा सा इसमें गर्म पानी मिला दें। तो अभी मैं नहीं मिला रहा हूँ क्योंकि मैं तो अभी, लेकिन आप अपने हिसाब से ये निर्णय लें क्योंकि ये बिल्कुल सही दिख रहा है। अगर आपको रख के छोड़ना हो, थोड़ा इसकी ग्रेवी पतली ही रखें, वो स्वतः ही गाढ़ी हो जाएगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे आग्रह है कि इसे अपनों के बीच साझा करें, और हमारे चैनल को, जो हमारे नए दर्शक हैं जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उनने अंत तक इस वीडियो को देखा, और फिर उनसे मेरा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि जो भी नई नई प्रस्तुतियाँ हम प्रसारित करते हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो लुत्फ उठाइए अफगानी चिकन अपनों के साथ। इसको बंद कर देते हैं।